पहले क्या समस्या थी हमारी? पहले तो समस्या थी कि हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी, और अब तो जैसे लग रहा है जना बिना सावन का बारिश हो रहा है। पहले यही समस्या थी, पानी लाने में बहुत दिक्कत होती थी, नहाने में दिक्कत, बच्चों को नहाने में दिक्कत लगती थी, बहुत परेशानी थी। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, पानी जैसे मैं तैसे नहाओ। सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया जाना है। परंतु बहुत अफसोस की बात थी कि वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के धरसौना गांव में पिछले कई सालों से वहां पर एक भी हैंडपंप नहीं था। 150 लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर पिछले एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को बनाने के बाद यूट्यूब पे डाला गया, जिससे पंजाब के रहने वाले हरविंदर सिंह जी ने यूएसए में बैठे उस वीडियो को देखा उन्होंने, और उस गांव में समरसेबल लगवा कर बदलाव हुआ। इस प्रकार मैं उनके द्वारा ये बदलाव ला पाई हूँ। पंजाब से बनारस आपने ही हमें बुलाया, आपने यूट्यूब पर डाला कि लोगों को पानी की बहुत समस्या है और हमें इन लोगों का दर्द समझकर यहाँ आ गए। तो मैडम कोई भी है उसका भी दिल पसीज जाता है जब लोग पानी की वजह से इतराता कर रहे हों। मेरे बड़े भाई साहब हरविंदर सिंह ने यूएसए में देखा और उन्होंने हमें बताया कि यार वहाँ जाकर समस्या समझ के और क्या बात है। पहले तो जैसे कि 3-4 किलोमीटर पानी हम लोग को जाना पड़ता था, और डिब्बे में कहीं भी डेगची में कुल बैगना में भरना पड़ता था कि दिन भरे कैसे पानी से हम लोग का गुजारा हो जाए, और फिर सुबह उठ के फिर यही काम करना रोज। अब तो खूब हम नहा रहे हैं, कचा रहे हैं, और सब कोई भी नहा रहा है, सब बहुत अच्छे से मज़ा पानी ले रहे हैं। मैडम जी अली यहाँ पानी का सुविधा पहली बार अली मैडम जी, तो हम सोच रहे थे कि बहुत लोग आते हैं अपना मन का कह के चले जाते हैं, विश्वास ना हमें ना होता, मगर जब पहली बार मैडम अली तो उस शौचालय की जो चीज़ है वो लिया के मैडम सबके घरे घरे पे मैडम जी करवाई, फिर यहाँ तक कि पानी का भी सुविधा मैडम लग गई। हमने देखा यहाँ पे इतनी अच्छी मैडम है कि इनके सुविधा से पानी का बोली हर सारी सामान पानी का ला के दे रही, अब पानी कितना मतलब कि एकदम अब जैसे मन तैसे नहा धोआ चाहे जैसे मन तैसे रहा। मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि इसी तरह हर गांव के हर समस्या पे वीडियो बनता रहे और उसका इस तरह बदलाव हो।